जब हम लोगों से वीगनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बड़ी ही आसानी से समझने वाली धारणा है, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर लोग जानवरों से प्यार करते हैं और जो प्रोडक्ट्स जानवरों से आते हैं उसके लिए उनके साथ क्रूरता होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो गलत है और नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम ये बात लोगों से कहते हैं तो वो ये बात समझ नहीं पाते, उल्टा वो या तो नाराज हो जाते हैं या अपने पॉइंट पे अड़ जाते हैं। इसीलिए लोगों के पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ही जरूरी है, वरना हम ठीक तरीके से अपनी बात रखने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ इफेक्टिव तरीके हैं जिससे आप लोगों के साथ वीगनिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। विनम्रता से बात करें, सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि हम भी कभी दूध या मांस खाते थे, और जरूरी नहीं है कि जितना कम समय हमें लगा हो वीगन बनने में उतना ही कम समय सामने वाले को लगे। इसलिए जब भी इस टॉपिक पर बात करें तो हमें किसी को दोष नहीं ठहराना है, बल्कि प्यार से बात करनी है और उनकी भी बात सुननी है। बी रिलेटेबल। जब आपसे कोई पूछे कि आप वीगन क्यों बने तो उनसे अपनी जर्नी शेयर करें, ना कि फैक्ट्स और फिगर्स बता के उन्हें डरा दे। लोग उनसे रिलेट करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। इसीलिए जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, इस पे स्ट्रेस करते हुए कि आप भी बहुत सी उम्र ये करते थे और फिर भी बदलाव मुमकिन है, तो सुनने वाले को भी एक उम्मीद मिलती है कि वो भी ये कर सकते हैं। उनके प्रायोरिटीज को ध्यान में रखिए। लोगों की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपके लिए पशु प्रेम ज्यादा जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए उनकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। चाहे वो समझ रहे हो कि जानवरों के साथ क्रूरता होती है, लेकिन वो प्रोटीन के लिए नहीं छोड़ पा रहे। इसीलिए सबसे एक ही तरीके से बात करने से अच्छा है कि आप उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनसे बात करें। उनसे सवाल पूछें। आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपके बताने पे वो ना बदले, लेकिन जब वो खुद सोच में पड़ जाएंगे तो कुछ बदलाव ला पाएंगे। आप उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते आप खुद वीगन बने। तो बजाय इसके कि हम उन्हें कोई पकी पकाई सोच दे दे, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उन्हें सही सवाल पूछकर उन्हें उस दिशा की ओर ले जाएं, एक एक कदम आगे बढ़ाएं। अगर आप लोगों से कहेंगे कि वो तुरंत ही वीगन बन जाए तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे और आगे सुनना पसंद नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि आप उनसे ये कह सकते हैं कि जब तक आप पूरी तरह वीगन नहीं बनते तब तक वीगनिश बनिए। इससे आप उनसे ज्यादा भी नहीं मांग रहे और वीगन बनने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इन सब में सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि आप सिर्फ लोगों को जानकारी दे सकते हैं, उनका बदलना या ना बदलना आपके हाथों में नहीं है। तो कुछ इस तरह समझिए कि आप बीज बो रहे हैं, तो सही मौसम आने पे, सही हालात होने पे वो खुद ही खुद पनप जाएगा।